नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से विश्व पर्यटन दिवस पर जारी की गई बुकलेट उत्तर प्रदेश पर्यटन अपार संभावनाओं में आयोजित बहस में ताजमहल को स्थान न दिए जाने पर सांसद अंशुल वर्मा ने योगी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक लगभग 2 करोड़ की धनराशि ताज के विकास हेतु व्यय की जा चुकी है एवं भविष्य में लगभग 150 करोड़ की धनराशि ताज व उसके आसपास के क्षेत्र के सुधार हेतु लगाकर उसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। हम मानते हैं कि ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है, अतः इसके रखरखाव की जिम्मेदारी हमारी सरकार की निर्वहन करेगी। इस समय हमारे साथ हरदोई लोकसभा क्षेत्र से सांसद अंशुल वर्मा जी। अभी सांसद जी, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक बुकलेट जारी की है, तो उसमें जो है ताजमहल को उस बुकलेट से बाहर कर दिया गया है। चूँकि आपकी सरकार है और सरकार जो है पर्यटन की बहुत अधिक बात कर रही है, इस समय बढ़ावा दे रही है, ऐसे में आप एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार सबकी होती है, ये बात सही है। बीते दिनों ये विषय चला काफ़ी ज़्यादा कि सरकार ने ताजमहल को हटा दिया है। मेरा मानना इससे बनिस्बत बिल्कुल विपरीत है। आप ये जानें कि सरकार, सत्यता ये है कि 2 करोड़ लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी देखरेख में अभी तक खर्च किया है जब से सत्ता में आई है। उसके बाद बजट एलोकेशन होती है, 370 करोड़ में से 156 के लगभग ताजमहल और उसके आसपास के सर्किट के लिए सरकार रिजर्व करती है। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आप उसको प्रेरणा लेते हैं प्रेम का स्मारक कहते हैं और टूरिज्म कहता है कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया। हम सभी जानते हैं कि इसमें बनाने में, इतिहास गवाह है, साक्षी है इसका, कितने मजदूरों के हाथ कटाए। और उसके बाद अगर हम प्रेम का स्मारक इसको कहते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मुमताज़ के 14वें बच्चा पैदा होने के बाद शाहजहां ने उनकी छोटी बहन से शादी करने के लिए उनके पति की हत्या कराई और उसके बाद अनेकों प्रकार का इतिहास है। मेरे ख्याल से ये संस्कृति हमारी संस्कृति से भिन्न है। और यदि ये भी देखा जाए 1630 के लगभग बनी इमारत और कहाँ काशी और उससे पुरानी संस्कृति जो आज की तारीख में विलुप्त हो रही है, ये भी शर्म की बात है कि लगभग उससे आधे का बजट अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग बांट पाए। तो इससे मैं बिल्कुल योगी जी के समर्थन में हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया एक साहसिक निर्णय है और मेरे ख्याल से ये जनहित में भी ये उचित है। तो इसके मतलब कि जो हमारी और भी भारतीय संस्कृति जैसे काशी है, अयोध्या है, आज इसको भी विकास की ओर आगे बढ़ाया जाए। अभी तक ये विकास से अछूता रहा है जबकि हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सरकार की अपने कार्य की रूपरेखा होती है, जहाँ जहाँ विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जहाँ टूरिज्म को प्रमोट कर रही है सरकार, वहाँ वहाँ की तस्वीरें छापने में कोई गलती नहीं। आपने काशी को लिया, काशी में काम चल रहा है, बुद्ध सर्किट पे लिया और अनेकों और जगहों पर लिया है, तो जहाँ जहाँ कार्य हो रहे हैं वही तो आपकी बुकलेट में छपेगा। ताजमहल की साफ सफाई देखिए, धरोहर है, इमारत है, एक मिनारेट के रूप में इसको सहेजना, संभाल के रखना, ये हमारी जिम्मेवारी भी है और हम उसमें कर भी रहे हैं। लेकिन यदि अगर हम अपनी संस्कृति के हिस्से से इसको जोड़ते हैं तो मैं इससे जुड़ा हूँ, संस्कृति एक अभी। ये थे सांसद अंशुल वर्मा जी, अखिलेश सिंह खबर 9 से, कैमरामैन अंकित सिंह के साथ। अक्टूबर माह के प्रथम शनिवार पर आयोजित संपूर्ण थाना दिवस पर राजस्व और पुलिस के अधिकारियों के थाने में बैठकर आने वाले फरियादियों की समस्याएं सुनी। एसपी विपिन कुमार मिश्र ने बिलग्राम व एएसपी और एडीएम ने कोतवाली शहर में बैठकर समस्याएं सुनी। एसपी मिश्र ने बिलग्राम में थाना दिवस पर आई शिकायतों का अधिकतर मौके पर ही निस्तारण कराया। कुछ शिकायतों के लिए पुलिस अधिकारियों का राजस्व टीम को मौके पर जाकर निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा एडीएम विपिन कुमार मिश्र व एएसपी पूर्व ज्ञानंजय सिंह ने फरियादियों को सुना, जिस दौरान थाने आने वाले फरियादियों ने बेहिचक अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। इस दौरान राजस्व विभाग की टीमें मौजूद रही। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।
जनपद में जीएसटी की समस्या से जूझ रहे व्यापारियों ने आज सांसद सदर अंशुल वर्मा के साथ बैठकर अपनी समस्याएं सुनाई और व्यापारियों ने जल्द से जल्द जीएसटी में सुधार लाने की बात कही। आज जनपद के नवीन गल्ला मंडी स्थल के व्यापारियों ने सदर सांसद अंशुल वर्मा के आवास पर पहुंचकर बैठक सांसद सदर को जीएसटी के दौरान होने वाली समस्याओं से रूबरू कराया और कहा कि बीएसएनएल का नेट का हमेशा सर्वे डाउन रहने के कारण उनको काम बाधित हो जाता है। व्यापारियों ने बीएसएनएल के डाउन सर्वे को जल्द से जल्द सही कराने की मांग की और बैठक के दौरान दो दर्जन से अधिक व्यापारियों ने जीएसटी लगने के बाद आ रही समस्याओं से रूबरू कराया जिससे उनका बंद पड़ा कामकाज शुरू हो सके। जीएसटी की जानकारी ना होने के कारण छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपका रिवर्स कंपोजिशन वाला जो रिवर्स कंपोजिशन वाले में सरकार अब वहां से ही नहीं उठने देगी, आपको रिवर्स देने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन ये फाइनल नहीं। जीएसटी को पूरी तरह से संचालित होने में इस देश में थोड़ा समय लगेगा और लगातार अगर आप देख रहे हैं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। नगर में बस स्टैंड पर सुविधाओं के अभाव होने के साथ साथ बस ऑपरेटरों की मनमानी धड़ल्ले से जारी है। बस ऑपरेटर मनमानी करते हुए थाने के गेट के ठीक सामने हाईवे पर ही अनाधिकृत रूप से बसें पुलिस की निगाहों के ठीक सामने घंटों तक खड़ी कर रहे हैं और अनाधिकृत रूप से सवारियों का परिवहन भी हो रहा है। ऐसे में यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसका जवाबदार कौन होगा। वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति में सोयाबीन की आवक भी बढ़ गई है जिसके कारण हाईवे बसें खड़ी होने के कारण थाने के सामने ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। वहीं पुलिस की गाड़ियां भी मुख दर्शक होकर निकलती है, शायद किसी दुर्घटना का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही नगर में अन्य जगह की परिवहन व्यवस्था राम भरोसे ही चल रही है। बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने के साथ ही यात्रियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाईवे पर बने पेशाब घर से गंदे पानी की नाली में सप्लाई होने की व्यवस्था के कारण पेशाब बस स्टैंड पर ही फैल रहा है जिसकी बदबू के कारण यात्रियों का बैठना भी दूभर हो रहा है। जो गाड़ियां खड़ी है कोटा के यहाँ पर बस स्टैंड चालू किया जाए, रोड पर खड़ी कर पाई कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ खड़ी करवा ना उन बस स्टैंड पर, यहाँ गंदगी चल रही है, कचरों पड़ी हो कोई कचरे नहीं हटा रहे हैं, यहाँ पर कोटा जी है नगर पालिका की जवाबदारी है, क्यों नहीं हटा रहा भाई। सुबह से कचरा पड़ा और मूर्ति बाजी से मैंने बोला तो मूर्ति बाजी ने कहा हम दस बजे छुट्टी भी चल रहा हूँ तो हटा रखा यहाँ पर। माचलपुर से घनश्याम गुजर की रिपोर्ट। रूरा कानपुर देहात रेलवे स्टेशन रूरा व कस्बे की पश्चिम कैबिन के बीच शुक्रवार को रेल पटरी पार करते समय अधेड़ की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। उसके पास मिले मोबाइल से दी गई सूचना पर याकूबपुर थाना बेला औरैया से आए मृतक के बेटे ने शव की शिनाख्त की। याकूब बेला निवासी सुरेश साह 55 का ट्रक चोरी का मुकदमा माती कोर्ट में विचाराधीन है। शुक्रवार सुबह मुकदमे की पैरवी में कचहरी आए थे। वापस जाते समय वह रूरा कस्बे में रेलवे स्टेशन पर पश्चिम कैबिन के बीच के पास टाउन पटरी पार करते समय इटावा से कानपुर की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए। ट्रैक मैन से जानकारी मिलने पर स्टेशन मास्टर रूरा अरुणेश कुमार ने जीआरपी चौकी झिझक को सूचना दी। चौकी प्रभारी पृथ्वी सह ने मौके से मिले मोबाइल में लिखे पते पर सूचना के बाद पुत्र विजय प्रताप सह परिजनों के साथ रूरा आया था। शव की शिनाख्त की जीआरपी चौकी इंचार्ज ने बताया कि रेल पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आने से हादसा हुआ। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट। आज नगर पंचायत रूरा में प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के चलते जिलाधिकारी कानपुर देहात के निर्देशानुसार पालन करते हुए इंटर कॉलिंग से दबे पेड़ों की जड़ों को खोलने, पेड़ पौधों की सुरक्षा, तालाबों और नालियों की सफाई की गई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पंचायत रूरा में विशेष अभियान चलाकर सफाई कराई जा रही, जिसमें वार्ड नंबर 9 जवाहर नगर पानी की टंकी के आसपास सफाई कराई गई, जिसका स्वयं निरीक्षण किया गया। साथ ही तालाब बना हुआ है उसके तालाब की भी सफाई कराई गई। ठीक इसी तरीके से वार्ड नंबर 5 का भी औचक निरीक्षण करते हुए शेरगंज में सफाई कराई गई और वहां सभी नालियों की सफाई कराते हुए रामलीला मैदान वगैरह सभी वार्डों को साफ कराया गया और उसका निरीक्षण किया गया। इसी तरीके सभी सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि रोस्टर के अनुसार सफाई कराते हुए 13 से 23 तारीख तक विशेष अभियान चला के सफाई कराया जाए और किसी भी तरीके कहीं पर कोई गंदगी न मिले। LED लाइट सभी वार्डों में और मुख्य मार्गों में लगाई जाए, उसकी जगह जो सोडियम लगी हुई है उनको हटाकर LED से LED युक्त किया जाए। कानपुर देहात से ज्ञान सिंह की रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले के ग्राम पंचायत मंडावर में महिला आजीविका मिशन GLF की बैठक महिला प्रयास समुदायी संस्था द्वारा महिलाओं की बैठक संपन्न हुई, जिसमें महिलाओं को आजीविका रोजगार से जोड़ने की बात कही गई। समूह एवं ग्राम संगठन समीक्ष की गई, स्कूल गृह सिलाई गतिविधि विस्तार से चर्चा की गई एवं आगामी बैठक की कार्य योजना तैयार की गई। यह बैठक आनंद शिखा मौर्य समूह प्रेरक के द्वारा ली गई, जिसमें करीब 28 गांव की महिला समूह अध्यक्ष शामिल हुई। राजगढ़ मंडावर से नितेश सेन की रिपोर्ट। 3 वर्षीय बालिका को लेकर पीड़ित महिला पहुंची नलखेड़ा थाना। महिला द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई गई। महिला अपने पूरे परिवार के साथ थाने पर पहुंची। जी हां, महिला ने कहा, मेरी शादी 4 साल पहले गोयल गांव में हुई थी। मेरी शादी होने के बाद से ही मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे मेरे ससुराल वाले, लेकिन जब मेरी बेटी महिदा का जन्म हुआ है तब से मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। फिर कुछ महीने बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया और बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर डाली। वहीं महिला के भाई ने कहा कि जो दहेज मांगा था हमने दहेज वो दे दिया था और ऐसी हरकत करी है उसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे ये हरकत कोई और ना करे। मेरी शादी 4.5 साल पहले गोयल गांव में हुई। ये 1.5 साल से मैं मेरे पेट में दे रही हूँ और मुझे वहाँ मारते पीटते और दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाते हैं। गाली गलौज मारना पीटना और मेरी सास नना के साथ मेरा पति ससुर सब मिलकर मुझे मारते पीटते और दहेज। ये बच्ची कब तक इसके शादी बच्चे होने के बाद से आपके साथ घटना चालू करी? लोग बच्ची होने के बाद से ही ज्यादा मारपीट करने लगे थे। पहले तो थोड़ा कम ही दहेज के खाने देते थे और फिर ज्यादा मारने। आपने मारपीट के वारदात आपके परिवार वालों को बताई थी? नहीं बताई थी मैंने, पहले नहीं बताई। वो छोड़ने की और 3 तलाक की धमकियां दिया करते थे तो मैं डर से नहीं बताती। आपके पति ने क्या दूसरी शादी निकाह कर लिया? हाँ, दूसरा निकल सकती है। मतलब आपकी कोई रजामंदी नहीं उसके बाद? नहीं, नहीं, कोई पूछा नहीं। आपके गराज ने पूछा? महाराष्ट्र साइड से करा। सर, ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने, जैसे मुस्लिम समाज की लड़कियों को जो मुस्लिम लोग प्रताड़ित करते हैं इस सिस्टम के मामले में, कि जैसे दूसरी शादी कर ले, यानी फर्स्ट वाइफ के हक उनसे अदा नहीं होते कि खिलाना पिलाना वो सही, वो जिंदगी एक वाइफ की गुजरा नहीं सकते, दूसरी शादी कर लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सिस्टम है कि उसके तरह कैसे दूसरी शादी, एक जो 494 की धारा हिंदू और मुस्लिम एक्ट में दोनों इंडियन लॉ के जरिए जो लागू होती है वो धारा लगाई जाए कि फर्स्ट वाइफ की विदाउट परमिशन के उनने सेकंड शादी की है तो जो धारा कोर्ट और कानून के जरिए लगती है वो उसके ऊपर लगाई जाए, वो जो सजा उसके ऊपर होती है कानून के जरिए उसको वो सजा दी जाए। वो जो दहेज की डिमांड, क्योंकि दहेज तो बिल्कुल हम में और आप में यानी पूरे हिंदुस्तान के अंदर दहेज की डिमांड तो बिल्कुल हराम साहिब के, किस तरह से हम दहेज मांगे? कुछ तो ऐसे हैं कि लड़कियों की शादी ही, मतलब लड़के वाले खुद कहते हैं कि आप तो कुछ नहीं, सिर्फ लड़की भेज तो दहेज हम खरीद लें। तो इस टाइप से हमने जितना बनता था दिया, उसके बाद में भी इतनी डिमांड की गई है कि फिर आखिर में जब हमसे डिमांड पूरी नहीं हुई, जो देने का जो था जो डिमांड हमसे पूरी नहीं हुई, तो उनने कहा है कि अब जो है हम दूसरी लाएंगे, आप डिमांड नहीं कर पाए। तो 4 दिन तक कंटिन्यू आज से 1.5 साल पहले मेरे पास में फ़ोन आया कि आप आपकी बहन को आके ले जाइए। तो जब फोन आया गया तो हमने कहा है कि जब 4 दिन तक फोन आया मेरे पास में, तो मेरी जीरापुर के अंदर शॉप है तो माचलपुर के बीच में कंटिन्यू डेली अप डाउन करता हूँ, तो बीच में कोड़ के एक गांव पड़ता है, तो मैंने फोन रोक के बात की कि मैंने कहा भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सिस्टर को मत मारिए पीटिए, जो भी हमसे होगा और बनेंगे और करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने कार्रवाई थाने में वगैरह हमने थाने में कार्रवाई वगैरह इससे पहले नहीं की, हम आए थे लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाई कुछ भी, मतलब इस टाइप से कि उन्होंने कहा ठीक है, हमने सोचा कि माचलपुरी की कार्रवाई होगी, तो हमने पहले माचलपुर को इसका प्रयास किया, फिर 4 दिन तक माचलपुर गए, राजगढ़ गए, फिर वहाँ से उन लोगों ने कहा है कि आप नलखेड़ा जाइए, हम परसों के दिन भी आए थे, फिर इनने कहा है कि 2 से 3 दिन बाद आइएगा फिर आपके FIR होंगे, तो आज हमारी FIR हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए और इस FIR के जरिए जो आदमी दोषी है और जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। आगर से कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ ब्यूरो चीफ राजेश शर्मा की रिपोर्ट। नलखेड़ा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान के द्वारा श्याम सुंदर परिहार जिला महामंत्री नियुक्त किया गया। श्याम सुंदर परिहार विधायक मुरलीधर पाटीदार बड़ा गांव, नगर पालिका अध्यक्ष उदय यादव, राजा राम गुजर, सभी भारतीय जनता पार्टी के समस्त सदस्य नलखेड़ा पहुंचे। बेसोदा रोड पर परिहार का लक्ष्मी नारायण शर्मा के द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया।
उसके बाद फिर वहां से मां बगला मुखी के मंदिर में पहुंचे, मां का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के बाद मंदिर के मुख्य पांडव गोपाल जी द्वारा परिहार विधायक मुरलीधर जी का चुनरी ओढ़ा फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया गया। आगर से कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ ब्यूरो राजेश शर्मा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज नगर की अशासकीय संस्था विद्यासागर एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल संस्था की सीहोर जिले से एकमात्र छात्रा कुमारी महावीर विश्वकर्मा पुत्री श्री प्रवीण कुमार विश्वकर्मा विद्यासागर एकेडमी हाई सेकेंडरी स्कूल का चयन किया गया। इस मेधावी छात्रा को इस यात्रा के अंतर्गत 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चेन्नई में रहकर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रयोगशालाओं एवं शोध संस्थानों के अवलोकन के साथ विश्व प्रसिद्ध एवं ख्यात वैज्ञानिकों के साथ संवाद का अद्वितीय अवसर प्राप्त होगा। नसरुल्लागंज से सलीम खान की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बहराइच श्री जुगल किशोर महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने के सख्त निर्देश सभी संबंधित को दिए गए थे। उक्त के अनुक्रम में आज मुखबिर की खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र खेरी घाट में बहेड़ा गांव के सिद्धनाथ मंदिर पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उक्त स्थान पर छापेमारी कर 12 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 51,831 तथा एक सोने की अंगूठी, 7 मोटरसाइकिल तथा 11 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। यूपी के बहराइच से श्याम मिश्रा के साथ विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के लखा मोडी ग्राम के युवक शुक्रवार को सरयू नदी के पार लगने वाले मटेरिया मेला घूमने गए थे, जहां पर शनिवार सुबह वो सब एक नाव पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे, तभी बीच नदी में नाव पलट गई, जिसमें उसमें सवार बच्चे व युवक गहरे पानी में डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके के लोग व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया। गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। 2 मासूम समेत 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक युवक समेत 3 लोग तैर कर सुरक्षित निकल आए हैं। मटियारी मेला लगता है यहाँ पर, ये रामगांव थाने के अंतर्गत है। वहाँ से कुछ जो है बच्चे लौट रहे थे, युवा थे, और प्रातः लगभग 4:30-5 बजे के बीच में जब सरयू नदी क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने नाव का इस्तेमाल किया। नाव पर कोई नाविक नहीं था, वो स्वयं ही उसे नाव को चला के जाने लगे। उस नाव में किसी कारणवश पानी आया और दुर्घटना हुई, और उसमें 3 लोग जो तैरना जानते थे वह तो नदी को पार कर गए, और 6 लोग जो तैरना नहीं जानते थे वहाँ पानी अधिक होने से लगभग 30 फीट की गहराई थी पानी की बताया गया, वहाँ पर भी लोग डूब के उनकी मृत्यु हो गई। सभी के शवों को बरामद किया गया है तथा पोस्टमार्टम जिला अस्पताल पर उनका इस समय चल रहा है। और इसमें 3 नाबालिग बच्चे थे और 3 जो है बालिग थे। तो जो बालिग हैं उनके लिए सर्वहित बीमा योजना सरकार की योजना है, उसके अंतर्गत बीमा कंपनी से उनको क्लेम मिलना है जो कि 5 लाख रुपये प्रति मृतक होगा। इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अनुरोध भेजा है कि जो अन्य लोग हैं तथा यह लोग भी हैं जो मृत्यु हुई है, उनके परिवारों की जो कि आर्थिक स्थिति दयनीय है, इसलिए उनको कुछ आर्थिक सहायता की संबंध में निर्णय दिया जाए। यूपी के बहराई से विजय प्रताप गुप्ता के साथ श्याम मिश्रा की रिपोर्ट। अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले खाकीधारी खाकी को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केसरगंज इलाके में यूपी 100 डायल पर तैनात इन महोदय को ही देख लो, जो डीजे की धुन पर नाचने वाली बालाओं के साथ ताल पर ताल मिलाते नजर आ रहे हैं। बदन पर वर्दी पहनकर और शराब के नशे में ठुन होकर लड़खड़ाते कदमों से कमर लचकाने वाले इस सिपाही को खाकी की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा। जिस वर्दी के सम्मान को बचाने के लिए कई लोग शहीद तक हो जाते हैं, उसी वर्दी के सम्मान को तार तार करने में ये जनाब कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ, बहराइच जिले के केसरगंज थाना क्षेत्र के कसहरी बुजुर्ग निवासी राम अचल के घर में आयोजित जन्मदिन पार्टी में आने वाले मेहमानों का दिल बहलाने के लिए नाच गाने की व्यवस्था भी की गई थी। इसी पार्टी में केसरगंज इलाके की यूपी 100 डायल गाड़ी पर तैनात सिपाही कृष्ण चंद्र सिंह को भी आमंत्रित किया गया था। वर्दी पहनकर नशे में टुन होकर पहुंचे सिपाही ने पुलिस विभाग पर हिल फिल्माए गए गाने पर नाच रही बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। सिपाही की इस करतूत से जहां विभाग के लोग शर्मसार हो रहे थे, तो वहीं पार्टी में आए लोग सिपाही के ठुमके पर पैसे लुटाकर मौज भी लेते नजर आए। यूपी के बहराइच से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। पुलिस
पुलिस अधीक्षक बहराई श्री जुगल किशोर महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत 5 अक्टूबर जनपद की टीम के प्रभारी के जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना देहात के जहादली बाग पुरवा में हरे पेड़ की कटाई हो रही है, जिस पर विश्वास करके प्रभारी SST देवानंद रजकमय हमराही के उक्त स्थान पर दबिश देकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 6 अदा हरा कटल का बोटा व 1 पेड़ काटा कटल का तथा 1 पेड़ कटा शीशम का बरामद किया गया। यूपी के बहराइच से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।